फ्रेंड, बहुत ही हद तक रिसर्च करने के बाद, बहुत ही डीपली रिसर्च करने के बाद दोस्तों आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ फाइनली मॉक टेस्ट नंबर 6। मतलब मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट दोस्तों होने वाला है। इस मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको मिलेगा टोटल 100। आज का जो 6 नंबर मॉक टेस्ट है इसके अंदर आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन आंसर। ये जो 100 क्वेश्चन आंसर है दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तब आपको पता चल जाएगा, तब जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, एग्जाम देने के लिए जब हॉल पे जाओगे दोस्तों, आपके सामने जब एक एक करके क्वेश्चन आएगा तब आपको पता चल जाएगा आज का मॉक टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। इसलिए दोस्तों दिल ठोक के ध्यान से मॉक टेस्ट को कंप्लीट करिए और दिल पे इसको लगा के रखिए, क्योंकि इस मॉक टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा आपको बाद में पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों मॉक टेस्ट को लास्ट तक देखिए। चलिए मॉक टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है चारों के अंदर। इंडेक्स ऑप्शन दोस्तों मतलब आप सोचिए, यह डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ऑलरेडी आपके सामने प्रोडक्ट आंसर दोस्तों मार्किंग किया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर दोस्तों क्या बोलते हैं, द पार्चेस ऑफ ए शेयर इन द मार्केट एंड सडनली सेल्स इन द डिफाइन मार्केट टू बेनिफिट फ्रॉम द प्राइस डिफाइन। एक मार्केट से बाय किया, दूसरे मार्केट में सेल किया, स्टॉक के अंदर में जो डिफरेंस है, दो मार्केट के अंदर स्टॉक प्राइस का जो डिफरेंस है उसका फायदा लेता है, कौन लेता है दोस्तों? आर्बिट्रेज, आपको मालूम होगा आर्बिट्रेज ही लेता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री दोस्तों, फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर, क्या क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों ट्रेडिंग का प्रोवाइड करता है, हेजिंग का प्रोवाइड करता है, आर्बिट्रेज का भी प्रोवाइड करता है, तो तीनों का प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आंसर दिया गया ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अभी आपके लिए जो जो क्वेश्चन आ रहा है एक एक करके मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए हर पोस्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। चलिए मॉक टेस्ट नंबर 6 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है आप देख लीजिए, ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉस ड्यू टू, क्या है ऑपरेशनल रिस्क ड्यू टू ऑल टाइम दोस्तों, ये पहले वाला जो डिसेबल प्लानिंग ये जो है दोस्तों ऑल टाइम यही होता है दोस्तों, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आज आपके लिए मैं जो जो क्वेश्चन आंसर रिसर्च अभी रिवाइज करूंगा दोस्तों, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हर क्वेश्चन आंसर को आप दिल में रखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सानी भाई ने जो क्वेश्चन आंसर आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 लेके आया था कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए फिफ्थ, इंपैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इज पुअर, डेफिनेटली इंपैक्ट कॉस्ट लो व्हेन द लिक्विडिटी पुअर दोस्तों, तो फॉल्स, इंपैक्ट कॉस्ट हाई होगा जब लिक्विडिटी कम रहेगा दोस्तों, अगर ज्यादा बायर ज्यादा सेलर रहेगा तो अब दोस्तों तो कॉस्ट आपको कम कॉस्ट में मिल सकता है ना, अगर ज्यादा बायर सेलर कम रहेगा तो दोस्तों आपको कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा ना। चलिए उसको देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए आ भी सकता है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं जब एग्जाम हॉल पे गया था दोस्तों मेरे को मालूम है ये क्वेश्चन का कितना वैल्यू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यू सोल्ड वन, आपने सेल किया XYZ स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आपने सेल किया कितने में, 278 रुपया में एंड लॉट साइज 1200 का है, व्हाट इज योर प्रॉफिट इफ यू परचेस द कॉन्ट्रैक्ट बैक। दोस्तों आपने सेल बाय किया दोस्तों, देखिए आपने सेल किया दोस्तों 7278 में और कम रुपया में बाय किया तो आपको फायदा होगा ना, तो ये दोनों को माइनस करिए, जो डिफरेंस निकल के आएगा उसके साथ 1200 को इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1500 का। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजिशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट इन जून XYZ फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल, कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको देखिए 50 का है, एट द प्राइस ऑफ 3400 रुपया, व्हेन यू क्लोज दिस पोजीशन आफ्टर ए फ्यू डेज, जब कुछ दिन के बाद आप इसको क्लोज करोगे यू रियलाइज दैट यू मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजिंग एक्शन वुड बी एनेबल यू टू जनरेट दिस प्रॉफिट। मतलब अगर आपने पहले देखा था जब कुछ दिन पहले देखा था आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब तो आप स्टॉक कहाँ पे आया था, आपने सेल किया था, मतलब नीचे आया था, नीचे कितना नीचे आया था, देखिए 3200 का जो आंसर है दोस्तों वो है राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं आपके लिए क्या बोल रहा हूं दोस्तों, आपके सामने जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है,
इसके अंदर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप एग्जाम के लिए, एग्जाम देने के लिए, रियल वाला एग्जाम देने के लिए जाओगी तो आपको आइडिया हो जाएगा इसके अंदर कितना दाम था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजर टू बी फॉरवर्ड प्राइस एट द ऑफ ए शेयर ऑफ प्राइस 750, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी 6 मंथ फ्रॉम द डेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट 12। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, इसका आंसर होगा 795। चलिए दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। इफ यू हैव सोल्ड ए एक्स वाई जेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइज आप देखिए 50 का है, एट 3100 एंड बॉट द इट्स बैक 3300, इट इज योर गेन और लॉस। दोस्तों आपने आपने क्या किया, आपने सेल किया 3100 रुपया में, 3100 रुपया में, और बाय किया, बाय किया 3380 रुपया में, 3300 रुपया में, मतलब आपने ज्यादा में कम पैसे में सेल किया, ज्यादा पैसे में बाय किया, तो आपको लॉस ही होगा ना। तो इसके साथ इसको माइनस करिए, माइनस करने के बाद 50 के साथ इंटू करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, कैलेंडर स्प्रिट के अंदर से कुछ आपको मिल भी सकता है दोस्तों एग्जाम हॉल पे, इसलिए दोस्तों इसका इस वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, तो फ्रेंड आप यहां पे देख लीजिए, ये कैलेंडर स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट इज इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों कैलेंडर स्पिरिट ऑल टाइम लो मार्जिन को अटैक करता है, कैलेंडर स्पिरिट ऑल टाइम लो मार्जिन को अटैक करता है, इसलिए दोस्तों आप कैलेंडर स्पिरिट की बात आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लो मार्जिन को दिल ठोक के सोच लीजिए, लो मार्जिन ही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्लाइंट ए हैज परचेज 10 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिसंबर सीरीज एंड सोल्ड 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनवरी सीरीज। दोस्तों देखिए बाय किया था 10 कॉन्ट्रैक्ट और सेल किया था 7 कॉन्ट्रैक्ट, तो कितना रहेगा, 3 ही रहेगा ना, बहुत ईजी है दोस्तों। चलिए उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एन इन्वेस्टर हु इज एंटी पार्टिसिपेटर ब्रोड स्टॉप स्टॉक मार्केट फॉल बट इज नॉट विलिंग टू सेल हिज एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ द स्टॉक, कैन एफोर्ड्स ऑफसेट दिस पोटेंशियल लॉस बाय द शॉर्ट सेलिंग ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर। दोस्तों ऑल्सो इज राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों अगर आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है दोस्तों, अगर आपको आपका एंटायर पोर्टफोलियो को सेल नहीं करना तो आप इंडेक्स को सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका एवरेज हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। तो फ्रेंड उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन। मार्जिन इज फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्जिन कौन पेड करता है दोस्तों, बायर भी देता है सेलर भी देता है, इसलिए बोथ द बायर एंड सेलर। दोस्तों मार्जिन फ्यूचर ट्रेडिंग में दोनों को देना पड़ता है, अब ऑप्शन में नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर बोल रहा हूँ, ऑप्शन में तो दूसरा बात होगा, अगर ऑप्शन बोलेगा तो आपको सोचना पड़ेगा, या फिर फ्यूचर बोल दिया मैंने दोनों को देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हेन यू द नियर लेग ऑफ द कैलेंडर स्पिरिट ट्रांजेक्शन एंड इंडेक्स फ्यूचर एक्सपायर द फादर लेग बिकेम ए रेगुलर ओपन पोजिशन। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको लिख के रखिए, आंसर होगा ट्रू। देखिए चलो उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलिंग ए शॉर्ट ए स्टॉक मीन्स, शॉर्ट सेलिंग मतलब उसका आपके पास तो रहेगा नहीं तब तो शॉर्ट सेलिंग बोला जाएगा, तो इसलिए सेलर डज नॉट ऑन द स्टॉक इन दिस सपोज ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी करने का उसके पास स्टॉक नहीं है, तो जब तब उसको उसका सेलिंग बोलता है शॉर्ट सेलिंग। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16 वाला 16 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ ये जो मॉक टेस्ट है दोस्तों आप लिख के रखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्यों दोस्तों इसके अंदर से बहुत सारा मॉक टेस्ट के अंदर से चुन चुन के लिया गया है, इसका यहाँ लेके यहाँ पे 100 मॉक टेस्ट आपके लिए 100 क्वेश्चन आंसर बनाया गया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां पर से मेरे को लगा था वहां पर से सब कुछ अगर आप बैलेंस करके रखोगे तो एक पैकेज के अंदर अगर आप बैलेंस करके रखोगे तो आपके लिए उतना उल्टा वल्टा बोल के कोई फायदा नहीं है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन नॉट बी लॉस मोर देन द ऑप्शन प्रीमियम पेड। बायर ऑप्शन प्रीमियम पेड से भी ज्यादा लॉस नहीं करता है ना, ये इसका अमेरिकन ऑप्शन के अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपीय ऑप्शन दोनों जगह सेम है, दोनों जगह में बायर और प्रीमियम से ज्यादा पेड नहीं करता है, इसलिए दोस्तों ट्रू फॉर ऑल ऑप्शन। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल स्टेट दैट, कॉस्ट एंड कैरी मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर को देखिए। कॉस्ट एंड कैरी मॉडल स्टेट दैट प्राइस ऑफ फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी।
दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख के रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द रोल ऑफ स्पेकुलेटर प्ले इन द फ्यूचर मार्केट। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इससे पहले वाला वीडियो तो मैं इतना चिल्ला चिल्ला नहीं बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों मेरे को मालूम है आज का मॉक टेस्ट मैच जैसे बोला था ना सिक्स, तो सिक्स के अंदर तो कुछ दम होना चाहिए दोस्तों। आप अगर आप इस एग्जाम को, इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद सिर्फ अगर आप इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करके जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसके अंदर से कितना सारा क्वेश्चन आपको वहां पे मिल भी सकता है दोस्तों। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल सकता है अगर आपको उसी में रहेगा। तो स्पेकुलेटर का रोल रहता है दोस्तों, दी एड द लिक्विडिटी इन द फ्यूचर मार्केट। ये स्पेकुलेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये रिस्क को अपने आप रिस्क ज्यादा लेता है और ये मार्केट के अंदर स्पेशली लिक्विडिटी ऐड करता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यू सोल्ड ए पुट ऑप्शन ऑन शेयर, द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन 245 एंड यू रिसीव द प्रीमियम ऑफ 49 दैट फ्रॉम द ऑप्शन बायर। थियोरिकली दोस्तों, जब थियोरिकली बोलेगा तो आप सोचिए इसके साथ उसको माइनस कर दीजिए। थियोरिकली जब बोलेगा दोस्तों, ये एक थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्मूला है, हर टाइम मैच नहीं करेगा लेकिन थियोरिकल ये होता है। तो 1 to 2 मैक्सिमम लॉस पोजीशन दोस्तों, दोनों के साथ माइनस कर दिया, 245 के साथ 49 माइनस करने का दोस्तों आपको आंसर आ जाएगा 196 का। चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, करंट प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड स्टॉक इज 286 एंड 260 स्ट्राइक प्राइस इज द, व्हाट इज द इंस्टेंट वैल्यू। इंस्टेंट वैल्यू दोनों का वैल्यू कैसे निकलता है दोस्तों, दोनों प्राइस को माइनस कर दीजिए जो भी निकल के आ जाएगा। अगर आप 286 के साथ 260 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 26। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए फिर अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये यूरोपियन कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट्स टू बाय नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय फ्रॉम द सेलर एंड अंडरलाइन एट द फेलविंग मार्केट प्राइस ऑन बिफोर। ये तो उल्टा कर दिया, ऑन बिफोर बोल दिया, मतलब इसके चलते ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। ऑन बिफोर नहीं बोलता तो ये ट्रू हो जाता, तो इसका आंसर इसलिए फॉल्स हो गया। चलिए दोस्तों, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लिख के रखिए, एग्जाम हॉल पे जब जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा। 22, ये पुट ऑप्शन गिव द बायर ए राइट्स टू सेल हाउ मच ऑफ द अंडरलाइन टू राइटर, राइटर मतलब दोस्तों यहाँ पे सेलर आपको माइंड में रखना चाहिए, ऑफ द ऑप्शन दोस्तों, ऑनली द स्पेसिफिक क्वांटिटी जिसको लॉट साइज बोलते हैं। आप अपना मन मर्जी क्वांटिटी नहीं ले पाओगी, स्पेसिफिक क्वांटिटी जिसको लॉट साइज बोला जाता है आप उसको लेना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एंड इन द मनी ऑप्शन इज, एंड इन द मनी ऑप्शन इज एन ऑप्शन, आंसर आपके सामने है दोस्तों एन ऑप्शन विद ए पॉजिटिव इंटरेस्ट वैल्यू। चलिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 24 वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 24 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एन ऑप्शन विद ए डेल्टा ऑफ 0.5 विल इंक्रीज इन ए वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच इफ द अंडरलाइन प्राइस इंक्रीज ऑफ 2। दोस्तों इसको इंटू करिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा दोस्तों आपके सामने हुआ दोस्तों 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लिख के रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है, पहले आ चुका है क्वेश्चन, दो टाइप का क्वेश्चन होता है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन होता है दोस्तों, एक एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन और स्टैंडर्डाइज ऑप्शन, दूसरा में दूसरा एक क्वेश्चन आएगा जिसके आंसर होगा कस्टमाइज ऑप्शन। तो दूसरा जब आएगा तब आपको मैं समझाऊंगा किसका आंसर कस्टमाइज होता है। एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन होता है स्टैंडर्डाइज, तो आंसर है स्टैंडर्डाइज। उसका तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, हायर द प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन स्टॉक ऑफ द पुट ऑप्शन हायर विल बी द प्रीमियम। हायर स्टॉक वॉलेटिलिटी होगा तो मतलब हायर प्रीमियम होगा ना, जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगा उतना ज्यादा प्रीमियम होगा, जितना कम वॉलेटिलिटी होगा उतना कम प्रीमियम होगा। तो डेफिनेटली ये बात आप माइंड में लगा के रखिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 27, इन व्हिच ऑप्शन इन द स्ट्राइक प्राइस बेटर देन द मार्केट प्राइस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइस डिफाइन इज द टू द ऑप्शन होल्डर, यहाँ पे ब्रैकेट में एंड द देयरफॉर इट्स प्रॉफिटेबल एट एक्सरसाइज टू ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है इन द मनी, आपको मालूम होगा इन द मनी आउट ऑफ द मनी मतलब थोड़ा सा ऊपर होता है ना, इन द मनी एट द मनी सबसे कंफर्टेबल फील होता है दोस्तों इन द मनी, तो आपको ज्यादा फायदा होगा इन द मनी में।
चलिए सर उसके बाद देख लेते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले मैं आपके सामने डिस्क्राइब किया था उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा आंसर भी आ गया। मिस्टर एक्स परचेस 100 पुट ऑप्शन एंड ऑन स्टॉक एस एट द 30 पार कॉल विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 280 इफ द एक्सरसाइज डेट स्टॉक प्राइस 350 इग्नोरिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिस्टर विल बी चूज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए आंसर आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। दे आर कॉल सीरीज थ्री कॉल सीरीज ऑफ एक्स वाई जेड जनवरी फरवरी एंड मार्च आर व्हिच विल बी हैव द लोएस्ट ऑप्शन प्रीमियम। लोएस्ट ऑप्शन प्रीमियम दोस्तों ऑप्शन जितना ज्यादा जाएगा दूर में जाएगा उतना ज्यादा ऑप्शन प्रीमियम होगा ना। जनवरी पहला मंथ है तो इसलिए इसका ऑप्शन प्रीमियम लो होगा। अगर हम लोग बोले हायर ऑप्शन हायर विल बी द प्रीमियम तो क्या होगा मार्च होगा क्योंकि मार्च महीना बहुत दूर है जनवरी महीना पहले होता है इसलिए कम होगा जनवरी महीने में लो ऑप्शन प्रीमियम होता है। चलिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं व्हिच ऑफ द रोटेशन ऑफ चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम ऑफ द यूनिट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। दोस्तों इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम दोस्तों रो के साथ होता है दोस्तों इंटरेस्ट रेट ऑफ टाइम रो के साथ होता है इसलिए इसका आंसर होगा रो। चलिए दोस्तों तो फ्रेंड आपको आइडिया हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रो इंटरेस्ट रेट रो के साथ ही अटैच होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए दोस्तों। इफ यू सेल ए पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 245 एट ए प्रीमियम ऑफ 40 हाउ मच इज द मैक्सिमम गेन द यू मे हैव द एक्सपायर ऑफ द पोजीशन। मैक्सिमम आपको कितना होगा आपको सिर्फ दोस्तों क्या मिलेगा सेलर को क्या मिलता है ना प्रीमियम ही मिलता है मैक्सिमम ज्यादा हर टोटल प्रीमियम मिल जाएगा तो टोटल प्रीमियम आएगा तो 40 रुपया है ना तो 40 टोटल प्रीमियम मिलेगा उससे ज्यादा क्या मिलेगा। चलिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला क्वेश्चन नंबर 32 इफ ए इन्वेस्टर है बाय ए कॉल ऑप्शन विद द लोएस्ट स्ट्राइक प्राइस एंड सेल द अनदर कॉल ऑप्शन विद द हायर स्ट्राइक प्राइस बोथ आर द सेम अंडरलाइन शेयर एंड सेम एक्सपायरी डेट द कॉल स्ट्रेटेजी की क्या बोलते हैं। सेम सब कुछ सेम होगा अगर बाय करेगा तो बुल्स पेड होगा ना अगर ये आपको सेल बोलता तो यहाँ पे बियरिश पेड होता जब सेल बोल दिया बाय बोल दिया इसलिए बुल स्पेड होगा। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 ऑन द डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑल द ऑर्डर एंटर्ड ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम आर एट प्राइसेस एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर सही होगा आप एक बार पढ़िए आपको आइडिया हो जाएगा इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 ए ट्रेडर हैज बॉट 100 शेयर ऑफ एक्स वाई जेड at price 780 per share he expect the price of go up but want to protect himself the price fall usko malum hai stock upar jayega lekin dosto usko kya karna hai apne aap ko safety rakhne ke liye usko protect karne ke liye kya karna padega he does not want to lose more than 1000 isko 1000 se zyada loss nahi lena hai to usko kya karna hai usko stop loss marna padega kitna marna padega jo price hai uska 10 rupiya se agar hum log 100 kar into karega to 1000 ka loss aa jayega इसलिए 10 रुपया नीचे मतलब 770 में उसको मानना है स्टॉप लॉस। चलिए अपने मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर आ चुका है और एक क्वेश्चन 35 आप लिख के रख दीजिए दोस्तों VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इसका बगल में आप लिख के रख दीजिए VVI ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से स्टडी करके जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा एग्जाम हॉल पे जाने के बाद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए 20 इसको क्या कैसे क्या होता है देखिए 20 into 4 50 इंटू आपको इसका जो लॉट साइज है दोस्तों 50 into 6% होगा सेम दूसरा के साथ भी सेम होगा उनका टोटल प्लस हो जाएगा इसलिए मैं आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो क्या करना पड़ेगा पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इसको क्या कैसे होगा देखिए 20 पहले 20 आपको लिखना पड़ेगा लॉट साइज 20 उसके बाद इंटू देना पड़ेगा इंटू देने के बाद ये देना पड़ेगा 4500 इंटू देना पड़ेगा इंटू देने के बाद दोस्तों इसका जो आपका लॉट साइज है कितना है 50 तो आपको यहाँ पे 50 देना पड़ेगा 50 देने के बाद इंटू देना पड़ेगा इंटू देने के बाद कितना परसेंटेज 6 देना पड़ेगा उसके बाद परसेंटेज देने के बाद जो निकल के आ जाएगा उसको लिख के रखिए सेकेंड वाला आपको सेम करना पड़ेगा दोस्तों सेकेंड वाला जो होगा आपको सेम करना पड़ेगा सेम आपको क्या सेकेंड वाला 17 into 4550 into 50
इंटू 6%, ये दोनों को करने के बाद दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ये है दोस्तों इस टाइप के, आप इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं VBI, इसलिए दोस्तों इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 यहाँ पे दोस्तों दो मेंबर का बात बोला है दोस्तों, देखिए दो मेंबर का बात बोला, क्लाइंट सी, क्लाइंट सी वन, क्लाइंट सी टू। यहाँ पे क्या बोला है, ए मेंबर हैज टू क्लाइंट, एक मेंबर का दो क्लाइंट हैज पार्चेस 800 कॉन्ट्रैक्ट, सी वन पार्चेस एंड सी टू सोल्ड 900 कॉन्ट्रैक्ट अगस्त, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, क्या ओपन पोजिशन रहेगा दोस्तों, क्या बोल रहा है। दोनों अलग अलग क्लाइंट है तो दोनों को कैसे एक साथ में इसका साथ इसका माइनस होगा, दोनों अलग अलग है मतलब दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 900 प्लस 800 ये टोटल ओपन पोजीशन रहेगा, इज इक्वल टू 1700। दोस्तों आपको आइडिया हो गया कैसे इस टाइप का अगर आएगा, इस टाइप से आपको फॉर्मूला का फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए फिर अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 37, 37 क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कैसा होगा देख लेते हैं। ये मोस्ट एंड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 37 वाला, आप या इसका बगल में लिख के रख दीजिए VVI, लिख के रखिए दोस्तों। ये डिफॉल्टिंग मेंबर ऑफ क्लाइंट पोजीशन कैन कुड बी ट्रांसफर टू अनदर सॉल्विंग मेंबर बाय द क्लाइंट कॉर्पोरेशन, डिफॉल्टिंग होगा तो किसको करेगा, अनदर सॉल्विंग मेंबर को ट्रांसफर करेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो दोस्तों आपको आइडिया हो जाएगा ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। चलिए सर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्लाइंट पोजीशन कैन नॉट बी नोटेड ऑफ अगेंस्ट इच द अदर वाइज कैलकुलेटिंग इनिशियल मार्जिन ऑफ ऑन द डेरिवेटिव सेगमेंट, क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू, तो एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जैसा पहले वाला का जितना इंपॉर्टेंट था। चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, 39 वाला क्वेश्चन देख बार पढ़ लीजिए, क्या बोला, मार्क टू मार्केट मार्जिन आर कलेक्ट, दोस्तों मार्जिन कलेक्ट कौन करेगा, हम लोग शेयर रख सकते हैं कुछ भी करेगा लेकिन मार्जिन तो डेली बेसिस कलेक्ट होता होगा, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है VBI। दोस्तों मैं आपको जो जो VBI बोल रहा हूँ आप दिल पे लगा के रखिए इसका क्वेश्चन आंसर, क्यों जब एग्जाम देने के लिए जाओगी, एग्जाम देने के लिए हॉल पे जाओगी तो आपको आइडिया हो जाएगा सानी भाई ने जो बात बोला था उसके अंदर कितना दम था, इसलिए VBI जब लगाऊंगी आप इसको ध्यान पे रखिए। ये भी दोस्तों VBI आपके लिए है दोस्तों, ये भी 40 वैल्यू एट रिस्क मेजर, देखिए वैल्यू एट रिस्क मेजर, वैल्यू एट रिस्क दोस्तों ये भी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अंदर से आपको बहुत कुछ फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए दोस्तों इसका रिस्क लेवल ऑफ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो VBI, ये भी VBI आप लगा के रखिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ए पेनल्टी ऑफ द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टॉक ब्रोकर फ्रॉम द डेरिवेटिव एक्सचेंज सेगमेंट एंड द सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन 1992 कैन टेक द प्लेस ऑफ, ये आपको ज्यादा करना नहीं, ये आपको देख लीजिए दोनों के इस, फिर द स्टॉक ब्रोकर फेल टू पे अगर करेगा तब भी उसको उसका होगा, द स्टॉक ब्रोकर भाव लेट भी करेगा तब भी होगा, द स्टॉक ब्रोकर सस्पेंड द स्टॉक एक्सचेंज तब भी होगा, दोस्तों हर सिचुएशन होगा, इसलिए इन ऑल द अबव, तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप थोड़ा सा दिल में लगा के रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों, जो भी मैं VBI लिखूंगा दोस्तों उसको आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 का है दोस्तों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑन द डेरिवेटिव एक्सचेंज बिकेम ए लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गारंटेड सेटलमेंट फॉर ऑल द पोजिशन, ऑफकोर्स दोस्तों क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑल टाइम आपको हर ट्रांजेक्शन के लिए तो काम करेगा, इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 43, इनिशियल मार्जिन कलेक्ट इन मॉनिटरिंग बाय द क्या, इनिशियल मार्जिन कौन कलेक्ट करेगा दोस्तों, मार्जिन हर टाइम क्या, मार्जिन हाउस हो सकता है दोस्तों, सॉरी फॉर द मार्जिन हाउस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करेगा, तो इसलिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आंसर होगा दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं रहता है मार्जिन हाउस रहता तो आप मार्जिन हाउस को चूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आ चुका है मेन वाला जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। चलिए दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन VBI नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों अगर आप एग्जाम देने के लिए जाओगी तो आपको आइडिया हो जाएगा, लिक्विड एसेट मेंटेन बाय द मिस्टर ए क्लियरिंग मेंबर आर हायर देन द मेंटेन बाय द बी क्लियरिंग मेंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
दोस्तों ये वाला टू होगा, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। ऑन द क्लियरिंग काउंसिल ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द डेरिवेटिव सेगमेंट ब्रोकर मेंबर आर अलाउ, नहीं दोस्तों ब्रोकर मेंबर को यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा अलाउ फॉल्स, इसका आंसर होगा फॉल्स। चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन फिर आने वाला है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट वाला कौन सा मैं आपके सामने अभी शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों आप देख लीजिए, इन मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रेड गारंटेड फंड टीजीएफ का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए ट्रेड गारंटेड फंड, आपको ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है फ्यूचर में अगर आपको नसीब में लगेगा टीजीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको क्वेश्चन बहुत सारा टाइम हो सकता है, इसलिए इसको लिख के रखिए ट्रेड गारंटेड फंड। क्या बोलता है एक्सचेंज या क्या बोलता है क्या कौन सी चीज है कि तीनों जगह सूट करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। चलिए अभी देख लेते हैं दोस्तों, मैं पहले बोला था आपको बहुत सारा टाइम वैल्यू एट रिस्क का देखने को मिलेगा, फिर आ चुका देखिए वैल्यू एट रिस्क प्रोवाइड द क्या प्रोवाइड करता है एक्सपेक्टेड मिनिमम लॉस व्हिच मे बी द इनसिक्योर्ड बाय ए पोर्टफोलियो ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 46 का फर्स्ट आंसर होगा राइट, जो आंसर दोस्तों राइट उसका सामने मेंशन ऑलरेडी किया गया दोस्तों। दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये फिर एक आ चुका है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, हु इज एलिजिबल फॉर द क्लियरिंग ट्रेड इन द ऑप्शन, कौन एलिजिबल होता है क्लियरिंग ट्रेड क्लियरिंग करने के लिए, ओनली द मेंबर हु आर रजिस्टर्ड विद डेरिवेटिव सेगमेंट एज क्लियरिंग मेंबर, जो डेरिवेटिव सेगमेंट में रजिस्टर है वो एकमात्र कर सकता है, बाकी कोई बंदा कर नहीं पाएगा, बाकी सब फॉल्स होगा। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं आपके सामने अभी क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा दोस्तों, 49 बोल रहा इफ प्राइस ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज द मार्जिन अकाउंट ऑफ द बायर ऑफ दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेबिट फॉर लॉस, ऑफकोर्स दोस्तों इसका आंसर राइट होगा, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज होगा तो मार्जिन भी तो होगा ना दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रू। चलिए दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 नंबर वाला, दोस्तों 50 नंबर वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और आंसर को थोड़ा सा गेस करिए, व्हिच एस्टैब्लिशिंग ऑफ द रिलेशनशिप विद द न्यू क्लाइंट द ट्रेडिंग मेंबर ट्रेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेप द एसेसर द बैकग्राउंड इन द बेनिफिशियल इंक्लूड इन वेरीफाई फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द सर्च ऑफ पर्सन एंड हिज इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव, दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए ट्रू, इसका आंसर होगा ट्रू। चलिए दोस्तों उसके बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन फिर आ चुका है 51 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए बी सी लिमिटेड स्टॉक विद ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ 500 हैज द हाइस्ट टाइम वैल्यू, हाइस्ट टाइम वैल्यू क्या होगा ऑप्शन एक्सपायर इन 3 मंथ, हाइस्ट टाइम वैल्यू क्या होगा, टाइम वैल्यू हाइस्ट मतलब थोड़ा लॉन्ग में होगा ना, फर्स्ट मंथ में टाइम वैल्यू जितना होगा सेकंड मंथ उससे ज्यादा होगा ना, थर्ड मंथ में और भी ज्यादा होगा ना, इसलिए हाइस्ट टाइम वैल्यू अगर बोलेगा तो थर्ड मंथ आपको तो आंसर निकल के आ जा रहा है दोस्तों। चलिए अभी देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ दोस्तों इसको आप हल्का मत लीजिए, जो इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ दोस्तों हल्का अगर लेके रखोगे दोस्तों आपको आइडिया हो जाएगा, जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी विद द डेरिवेटिव फ्रॉम द ऑप्शन प्राइस ऑफ इंडिकेट फॉर द वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट ओवर द लाइफ ऑफ द ऑप्शन ऑफ द स्टार मिनट इंप्लीमेंट वॉलेटिलिटी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, इसका आंसर यही होगा, आपको ज़्यादा इसको दो चार बार पढ़िए आपको माइंड में आ जाएगा, दो चार बार पढ़िए इस क्वेश्चन को 52 का। चलिए फिर अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या आ रहा है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आ गया आपके लिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI आ चुका है, फिर एक VVI आ चुका है दोस्तों, फिर आपके लिए एक है दोस्तों, ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेजिंग पोजिशन VVI दोस्तों, ये भी VVI प्रोटेक्टिव फूड, ये VVI दोस्तों 53 वाला VVI 54 वाला पुट कॉल पार्टी रिफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन कॉल एंड पुट ऑप्शन सेम स्टॉक विद सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मैच विद तो होगा। चलिए 54 को अभी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके लिए आ चुका है फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला दोस्तों, वो है दोस्तों 55
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इंट्रीगेट द बुल स्ट्रेन इन द अंडरलाइन, कौन सिचुएशन पे बुल स्ट्रेन होता है, ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, तभी एक बार राखी राइसिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद द राइसिंग ओपन इंटरेस्ट। चलिए दोस्तों फिर एक आ चुका है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट का जो चैप्टर है वहां पर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बाद में देखने को मिल सकता है दोस्तों। इम्पैक्ट कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, उसके अंदर से आ चुका है क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट एक्चुअल पेड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट बट रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी। यह इम्पैक्ट कॉस्ट इसके आंसर है दोस्तों, एक बार नहीं दो चार बार पढ़िए तो आपको आइडिया हो जाएगा, दो से चार बार पढ़िए आपको आइडिया हो जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 का है, 57 वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं आपके सामने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज ट्रू, तो इसका आंसर होगा सेकेंड वाला, थर्ड वाला। क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़िए, 57 वाला क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़िए, आपको आइडिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी है लेकिन दोस्तों आपको दो चार बार रिवाइज करना पड़ेगा, दो चार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आपके लिए आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वाज द इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेबी व्हेन ब्रोकन ब्रोकर फ्रॉम अलायंस एग्जीक्यूटिव इंट्राडे लेवरेज टू देयर क्लाइंट, कौन सा होता है पीक मार्जिन दोस्तों। ये पीक मार्जिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीक मार्जिन के बगल में आप VVI मान के रख दीजिए, पीक मार्जिन के बगल में VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोच के रखिए दोस्तों, क्योंकि मेरे को मालूम है, मैं तो पढ़े किया था एग्जाम देने के लिए गया था, तो मेरे को मालूम है कौन सा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका थोड़ा सा आइडिया तो मेरा पास है, तो सीधे इसके साथ आपके साथ इसलिए मैं VVI बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, चिल्ला चिल्ला के VVI इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। चलिए देख लेते हैं 59 दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुका है, यह 61 वाला। चलिए पहले 59 देख लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम द डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर इंडियन इन्वेस्टर आर टैक्स आर नॉन स्पेकुलेटिव इनकम फ्रॉम द अदर हेड प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशनल, दोस्तों ये तो ठीक है, इसको दो तीन बार पढ़िए, इसको दो तीन बार पढ़िए 59 वाला, इसको दो तीन बार रिवाइज करिए, पहले रिवाइज कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए 60, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन द KYC प्रोसेस पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन आर टर्न्ड, अगर आपने दोस्तों जब आप दोस्तों अगर आप डेरिवेट मतलब अगर आपको ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट ओपनिंग करना है, जैसे आप शेयर मार्केट के लिए जब अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जाओगे तब तो आपको एक कलम रहता है KYC में स्पेशल पर्सन, किसको जो पॉलिटिकली एक्सपोज उसको स्पेशल पर्सन बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपनिंग नहीं किया है दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, शेयर मार्केट में काम करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए दोस्तों। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जीरोधा का, अब उस लिंक पे क्लिक करके बहुत ही ईजी प्रोसेस में आप एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। पहले आपको आपका फोन नंबर देना पड़ेगा, उसका दोस्तों आपको देना पड़ेगा आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपको आधार नंबर और एक PV वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, आप वहाँ पर से एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप मेरा लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करोगे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, आप मेरे को कॉल करके स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग का टाइम पर अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते दोस्तों, कस्टमर केयर पर कॉल करने से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, अगर कस्टमर केयर के फोन नहीं लगेगा अगर बिजी रहेगा आप चाहे तो मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, मैं भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, लेकिन कस्टमर केयर जितना अच्छा गाइड कर पाएगी मैं उतना अच्छा गाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपके लिए सिचुएशन का जो भी सिचुएशन बिल्डअप होगा उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। चलिए अभी दोस्तों मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला दोस्तों आपके लिए आ चुका हुआ है दोस्तों 61, मैं आपको पहले ही चिल्ला चिल्ला कर बोला था 61। ये अलॉट ऑन क्लाइंट ऑन बोर्डिंग द सर्विस द एक्सक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन द क्लाइंट, ऑन बोर्डिंग में क्या वो देता है दोस्तों, यूनिक क्लाइंट कोड देता है, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो ये वाला आपको मिलेगा यूनिक क्लाइंट कोड, जो क्लाइंट कोड आप जितना बार ट्रेडिंग करने के लिए एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों उतना बार आपको लाग भी सकता है दोस्तों। और एक बात यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये किसके साथ अटैच है, यूनिक क्लाइंट कोड किसके साथ अटैच है, आपको पैन कार्ड के साथ अटैच रहता है, अगर आपको क्वेश्चन घुमा के देगा तो पैन यूनिक क्लाइंट कोड किसके साथ अटैच है, तो आपको यहाँ पे चारों क्वेश्चन देगा उसके अंदर एक पैन कार्ड रहेगा, तो पैन कार्ड को आपको तब टिक मारना पड़ेगा, इसलिए एक क्वेश्चन का ना दो आपको आंसर मिल गया दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप बगल में VVI मार के रखिए। चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर क्या आ चुका है एक बार देख लेते हैं। 62 दोस्तों आपके सामने आ चुका है 62, देखिए
अंडर द एंटी मनी लॉन्डरिंग AML, AML का फुल फॉर्म क्या है, एंटी मनी लॉन्डरिंग एंड द कमिट ऑफ द फाइनेंशियल टेररिस्ट CEF, इसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए। इसका दो क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन का फुल फॉर्म आ चुका है, इसका फुल फॉर्म ये है, इसका फुल फॉर्म ये है। रशियन द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिपोर्ट बाय द, एक कहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU, आपको शॉर्ट FIUF, इसका शॉर्ट फॉर्म है FIU, ऐसे भी दे सकते हैं, FIUI भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, यूनिट इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख के रखिए, इसका बगल में रखिए VBI, क्लियर दोस्तों। और भी आपके लिए आ चुका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे दोस्तों आपका आइडिया हो जाएगा, स्कोर, स्कोर क्या है दोस्तों, स्कोर इज डैश, तो ये बात आप माइंड में रखिए, सेबी ओएफ बेस कंप्लेंट रिजल्ट सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 63 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 64 वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, तीनों चारों जो चारों आता 61, 62, 63, 64, ये चारों अगर आप सही से रीड करके रिवाइज करके जाओगे दोस्तों, अगर आप रिवाइज करके जाओगे एग्जाम हॉल पे जाने का, तो आपको आइडिया हो जाएगा चारों के अंदर कितना दाम है। एक कैलेंडर स्पीड विल बी अटैक, कैलेंडर स्पीड पहले बोला था लो मार्जिन को अटैक करता है, इससे पहले मैं आपको बोला था कैलेंडर स्पीड ऑल टाइम लो मार्जिन को अटैक करता है दोस्तों, 61, 62, 63, 64 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार रिवाइज करिए दोस्तों, बार बार रिवाइज करिए, आपको आइडिया हो जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अभी देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला, ए बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, बायर क्या क्या राइट होता है, हैज द राइट टू बाय द अंडरलाइन एसेट, ये हर टाइम होता है दोस्तों, बायर का राइट से होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आ चुका आपके लिए दोस्तों। इससे पहले मैं फिर एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर स्पीड, देखिए कैलेंडर स्पीड आ चुका है मतलब लो मार्जिन, पहले इसके पहले एक आया था दोस्तों आपको, अभी मैं दिखा, देखिए लो मार्जिन बोल रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लो मार्जिन, कैलेंडर स्पीड लो मार्जिन, यहाँ पे डैश करके क्लीन द ब्लैंक के द्वारा एक क्वेश्चन आंसर दे दिया, यहाँ पे घुमा के थोड़ा सा दे दिया, देखिए उसका इसका इसका दोनों का उत्तर सेम है, आंसर सेम है दोस्तों। चलिए अभी आपके लिए फिर आ चुका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है दोस्तों कालिदास, कैलाश, सॉरी फॉर फ्रेंड, कैलाश वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलाश मिस्टर कैलाश हैज बॉट 200 शेयर ऑफ ABC इंडस्ट्री लिमिटेड 850 पर शेयर, रिस्पेक्टिव द प्राइस विल बी अप, उसको लग रहा है ये वाला कंपनी ऊपर जाएगा, वांट टू प्रोटेक्ट इन दोस्तों, जितना बार प्रोडक्ट बोलेगा उतना बार आपको समझना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ही डज नॉट वांट टू लॉस मोर देन 4000। देखिए दोस्तों ये बहुत ईजी है, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, ऑल द ट्रेड एंड ऑप्शन, ऑल द ट्रेड एंड ओपन पोजिशन आर डेरिवेटिव एक्सचेंज आर गारंटेड बाई द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इट्स बीकेम ए लीगल काउंटर पार्टी, दोस्तों देखिए तो डेफिनेटली ना जितना ट्रेड होगा तो उसका तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को रहता है ना, उसका क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू, क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं आपके लिए 69 वाला क्वेश्चन, 69 आपके लिए दोस्तों आ चुका है, 69 में दोस्तों क्या बोल रहा है, चलिए 69, इफ द लॉट साइज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 500, व्हाट विल बी द लॉट साइज ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो दोस्तों सेम होगा ना, तो बहुत ईजी है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, बहुत ईजी है दोस्तों। ये मिस्टर 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस्टर ए बाय ए अगस्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ICICI बैंक 500 ऑन हिज लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, एक्सपायरी ऑफ द लास्ट ट्रेड प्राइस ऑफ अगस्त फ्यूचर 512 एंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्पॉट प्राइस 510, तो दोस्तों तो क्या बोला, व्हाट इज द एक्सपायरी द प्रॉफिट वाला मार्केट लॉस साइज इतना है, तो 500 के साथ आपको दोस्तों कितना करना पड़ेगा, 510 का माइनस कर देना पड़ेगा, 10 निकल गया, 10 के साथ आपको 250 को कर देना पड़ेगा, तो आंसर आपको आ जाएगा 2500। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में लगा के रखिए। तो फ्रेंड आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 71 में दोस्तों आपको क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग पोजीशन इन अ कॉल ऑप्शन विल बी क्लोज बाय द टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर ऑप्शन इन पुट ऑप्शन, दोस्तों कॉल के साथ पुट एक साथ में नहीं होता है दोस्तों, अगर आप कॉल लॉन्ग करेंगे तो आपको
कॉल शॉर्ट करना पड़ेगा, अगर पुट लॉन्ग करेंगे तो पुट शॉर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एक साथ में मैचिंग नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा टाइम आपको लाइफ में मिल सकता है दोस्तों, अगर आपका नसीब में रहेगा तो, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखने से छोटा है, आप बोल सकते हैं ये छोटा वो बहुत बड़ा धमाका आपके लिए कर भी सकता है दोस्तों, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 72 72 में दोस्तों क्या बोला, व्हेन कॉम्पेयर टू कैश मार्केट देयर आर मोर चांस दैट द इन्वेस्टर डज नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंड द रिस्क, तो क्या रिस्क इंक्लूड द डेरिवेटिव मार्केट, तो डेफिनेटली डेरिवेटिव मार्केट में दोस्तों आपको मालूम होगा ना, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। तो 70 नंबर 72 वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको VVI नहीं बोल रहा हूँ, VVI जो बोलूंगा दोस्तों उसको आप बार बार रिवाइज करिए। चलिए फ्रेंड आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 73, 73 में दोस्तों क्या बोल रहा है देख लीजिए, ये स्टॉक एक्सचेंज हैज ऑन सर्विलेंस कैपेबिलिटी टू मॉनिटरिंग, क्या क्या मॉनिटरिंग करता है स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, वॉल्यूम को मॉनिटरिंग करता है, प्राइस को करता है, पोजिशन को करता है, तीनों को करता है, इसलिए ऑल ऑफ अबव, ये इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सर्विलेंस का आप एक बार देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका बगल में लिख के रखिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब जब आप एग्जाम देने के लिए दोस्तों हॉल पे जाओगे तब आपको आइडिया हो जाएगा सानी भाई जो बात बोल रहा है उसके अंदर कितना दम है। चलिए दोस्तों अभी देख लेता क्वेश्चन नंबर 74, दस दस स्पॉट प्राइस द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 200 एंड द इंटरेस्ट रेट 12 पर ईयर, व्हिच ऑफ द बिलो प्राइस ऑफ क्लोजेड 3 मंथ फ्यूचर, तो क्या होगा दोस्तों 3 मंथ पहले इसको 12% का कितना होता है आपको निकाल लेना पड़ेगा, निकाल लेने के बाद 3 महीने का कितना होता है उसको निकाल के दो इसके साथ प्लस कर देने से आपको आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों आंसर 206, 206। चलिए फ्रेंड अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75, 75 दोस्तों आपको क्या बोल रहा है, चलिए थोड़ा सा और भी थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ, 75 दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़िए, ऑफ द बिलो मेंशन ऑप्शन व्हिच वुड अट्रैक्ट मार्जिन, मार्जिन कौन अट्रैक्ट करता है दोस्तों, दोस्तों ऑल टाइम आपको मालूम होगा ना, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग है दोस्तों, मैं आपको फ्यूचर में बोला था फ्यूचर में सेलर और बायर दोनों को तो मार्जिन देना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों उल्टा है, आपको मालूम होगा, तो ऑप्शन में दोस्तों आपको सेलर ज्यादा, कॉल सेलर और पुल सेलर दोनों को दोस्तों आपको मालूम होगा, इसलिए दोनों ही दोस्तों मार्जिन ज्यादा पे करना पड़ता है दोनों को, सेलर को, इसलिए आंसर होगा बोथ। चलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द मार्जिन सिस्टम फॉर इंडेक्स फ्यूचर इज बेस्ड ऑन वैल्यू एट रिस्क, से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन पढ़ोगी एज पर द डॉक्टर रिकमेंडेशन, डॉक्टर LC गुप्ता का कॉमिटी रिकमेंडेशन किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख के रखिए। चलिए अभी हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 77, तो 77 आपके लिए आ चुका है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, डैश इज अ डील द प्रोडक्ट प्रोड्यूस, सॉरी फॉर दैट, डैश इज अ डील दैट प्रोड्यूस प्रॉफिट बाय एक्सप्लेनेशन प्राइस डिफाइंड इन द इन ए प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट, दोनों मार्केट से अगर प्राइस, दोनों मार्केट का प्राइस डिफरेंस लेके कोई फायदा लेता है वो है आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज होता है दोनों मार्केट से लेता है दोस्तों, और रिस्क सबसे रिस्क ज्यादा किसको रहता है, स्पेकुलेटर को रहता है, हैजा दोस्तों रिस्क को मेंटेन करता है दोस्तों। चलिए फिर अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, प्रोटेक्टिव पुट, मैं आपको पहले बोला था ना इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया था ना दोस्तों, इस टाइप के आंसर, तो ये भी देखिए, व्हेन यू बाय ए पुट ऑप्शन ऑन ए स्टॉक यू आर वोइंग वोइंग दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव पुट, प्रोटेक्टिव पुट दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इसके बगल में आप VVI लिख के रखिए दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, 79 दोस्तों आपको क्या बोल रहा है देख लीजिए, 79 ए ट्रेडर बाय ए कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी, दिस इज कॉल्ड एज ए लॉन्ग स्ट्रैडल, दोस्तों बाय पहले बोला था देखिए, ये यहाँ पर अगर आपको बोलता सेल तो आपको शॉर्ट स्ट्रैडल करना पड़ता मेरे ख्याल से, ये जो मेरा आइडिया है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग स्ट्रैडल बाय बोला है दोस्तों, इसलिए आपको लॉन्ग स्ट्रैडल माइंड में रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
दोस्तों 80, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी मिला था, आपको मालूम होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हॉल में अगर आप एग्जाम देने के लिए जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। MVBI मोस्ट, आप बोल सकते हैं VBI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। इसको पढ़िए पहले, आपको मैं जैसे बोले 10 इंटू, इसको इंटू करिए, इसको इंटू करिए, उसके बाद इंटू इसको कर दीजिए एक साथ में करिए, उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 5 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इतना पार्सेंट इंटू करिए, दोनों को एक जगह करके प्लस कर दीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों देखिए उसने सेम किया, देखिए 10, पहले 10 लिया था, उसके बाद मैं आपको पहले ये बोला था, उसके बाद 5 दिया, दूसरा 10 दिया, उत्तर निकल के आ गया था, सेकंड वाला भी आ गया, देखिए राज का आ गया, उसका दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया 3,91,250। देखिए बहुत इजी है दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, इजी बहुत है। और आज आपका आपके लिए जो मैं मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोला था 666, मतलब इसके अंदर 6 का मजा आप ले सकते हैं, एग्जाम हॉल पे जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा सानी भाई ने जो दिया था कितने इंपॉर्टेंट है। और बात एक बात आपको मैं बार बार बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक लिंक जीरोधा का, उस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली का किसी दोस्त का इंटरेस्ट है शेयर मार्केट के अंदर, तो प्लीज़ आप कृपया करके इस लिंक को उसको शेयर कर दीजिए, इस लिंक से अगर वो अकाउंट ओपनिंग करेगा, अकाउंट ओपनिंग का टाइम पे अगर किसी का तरह का दिक्कत होता है आप चाहे तो कस्टमर के अगर केयर के कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए हेल्प करने के लिए। चलिए फ्रेंड उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का। 82 दोस्तों आपके लिए क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। एट्टी टू क्या बोल रहा है एक बार देख लीजिए। वैल्यू द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन आर नेवर बी नेगेटिव ट्रू। मार्केट प्राइस आर ये प्राइस स्ट्राइक प्राइस नेगेटिव कोई होता है दोस्तों? नहीं होता है ना, इसलिए आंसर होगा ट्रू। दोस्तों ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसका बगल में VBI पहले ला लिखिए, उसके बाद आप इसको पढ़िए। ए पोर्टफोलियो हैज ऑफ सॉरी फॉर द ए पोर्टफोलियो ऑफ 25 लाख हैज बीन बेटा ऑफ 1.20, ए कंप्लीट हैज इज ऑप्टेन बाय टिलाक्स। देखिए इसको इंटू किया गया था इसके साथ, इसको इंटू करके आपको आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 83 क्वेश्चन नंबर 83 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए मैंने आपको मैं पहले बोला था उसके साथ इसको इंटू कर दिया, आंसर निकल के आ चुका 25 के साथ, 25 लाख के साथ इंटू 1.20 को किया था 30 लाख आ चुका। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आपके लिए क्या बोल रहा है दोस्तों। देखिए ऑल द ऑर्डर एंटर्ड ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ डेरिवेटिव एक्सचेंज आर द प्राइस एक्सक्लूसिव ब्रोकरेज, ट्रू है दोस्तों, डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए आपको आइडिया हो जाएगा, ट्रू है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों क्या बोले, इफ द प्राइस ऑफ स्टॉक प्राइस वॉलीटिलिटी, तो वॉलीटिलिटी होगा द वेन द ऑप्शन प्रीमियम वुड बी, दोस्तों प्राइस वॉलीटिलिटी होगा तो आपका प्रीमियम भी हाई होगा ना, प्राइस अगर वॉलीटिलिटी नहीं हो लो होगा तो ऑप्शन भी लो होगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा पढ़िए दो चार बार पढ़िए आपको आइडिया हो जाएगा कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अभी देख लेते हैं दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है। 86 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, तो 86 को एक बार पढ़िए आप उससे पढ़िए। इफ द लिक्विड एसेट मेंटेन बाय द क्लियरिंग मेंबर मिस्टर राम आर हायर देन द क्लियरिंग मेंबर मिस्टर सैम, आंसर होगा मिस्टर राम हैज हायर एक्सपोजर लेवल देन मिस्टर सैम। एक बार पढ़िए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब इसका बगल में VBI लिख के रखिए दोस्तों। मैं आज आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेके आया दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बाद भी आपके लिए फिर एक एक करके मॉक टेस्ट आएगा दोस्तों। आपको मैं एक बार एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप एग्जाम हॉल पे जाने से पहले थोड़ा सा कष्ट करके मेरा पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए, पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप हॉल पे जाइए दोस्तों, आपको आइडिया हो जाएगा सानी भाई का वीडियो के अंदर कितना दम था। आप तो यूट्यूब में बहुत सारा मॉक टेस्ट स्टार्ट किया होंगे, बहुत सारा मॉक टेस्ट देखे होंगे, लेकिन मेरा मॉक टेस्ट सबसे अलग होने वाला है दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही हद तक रिसर्च करती हूँ दोस्तों, इसलिए उसके बाद आपके लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आती हूँ। चलिए उसको दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। मिस्टर आर वॉन्ट टू सेल 17 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनवरी सीरीज इतना में, दोस्तों कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आया था ना,
परसेंटेज देखिए सेम होगा दोस्तों, इसको साथ इसको इंटू इंटू कर दिया, उसको दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ चुका है इसके। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार क्यों दे रहा है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप एग्जाम हॉल पे जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा इसके अंदर कितना दम है, कितने इंपॉर्टेंट था आपके लिए। जब एग्जाम हॉल पे जाओगे तब आपको याद आएगा मेरा बात दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, तब याद आएगा। तब आके आप लाइक मार दीजिए, अभी लाइक मार दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब आके लाइक मारिए और कॉमेंट करिए आपने एग्जाम कितना अच्छा दिया है दोस्तों, आके कॉमेंट करिए प्लीज, इतना रिक्वेस्ट करूंगा आपके लिए, इतना कष्ट कर रहा हूँ लेकिन इतना रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए ऐसे भी आके मेरे को कॉमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। 88 दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, इनिशियल मार्जिन इज कलेक्ट बेस ऑन, क्वेश्चन को देखिए, वैल्यू एट रिस्क वी ए आर बेस मार्जिनिंग। देखिए दोस्तों वी आर एस बीस 99, आपको ऐसा भी दे सकता था 99 तो आपको आंसर 99 होता, और वी आर एस इसके साथ इसको ये देखिए आप एक बार इसको पढ़िए, एक्सप्लेनेशन का आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, दोनों मार्केट से दोस्तों प्राइस डिफरेंस का फायदा कौन लेता है, इससे पहले मैं बोला था ना आर्बिट्रेज। देखिए डैश इज ए डील द प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रॉफिट बाय द एक्सप्लेनेशन द प्राइस डिफाइन इन ए प्रोडक्ट इन द टू डिफरेंस मार्केट, प्राइस डिफरेंस से फायदा लेता है एवरेज, बार बार याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका बगल में आप VBI लिख के रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, 90 वाला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 90, ए ट्रेडर सेल ए लॉयर स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन एंड बाय द हायर स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन, बोथ आर द सेम स्क्रीन एंड सेम एक्सपायरी द कॉल इज बीआरएस। दोस्तों इससे पहले मैं बोला था यहाँ पे बाय था तो अब बुलिश था, यहाँ पे सेल कर दिया तो बीआरएस कर दिया, थोड़ा सा दोस्तों लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन देख लेता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले भी आप देखा था दोस्तों। चलिए देख लीजिए, मिस्टर आशु हैज बॉट द 100 शेयर ऑफ एबीसी 980 पर शेयर, ही एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ गो अप बट वांट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। इससे पहले मैं आपको बोला था इसको लॉस लेना है तो 1000 तक लॉस लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, तो आपको उसको स्टॉप लॉस मारना पड़ेगा, इसके साथ अगर 10 निकल के ला जाएगा तो 1000 हो जाएगा, इसके साथ 10 कम करके उसको स्टॉप लॉस मारना पड़ेगा। देखिए 10 कम करके 980 970, तो दोस्तों बहुत ईजी है, आप लॉजिकली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आप लॉजिकली थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, डेफिनेटली बहुत सारा टाइम आपको आंसर पता चल जाएगा अगर आप सही से पढ़ोगी और आंसर को गेस करोगी। चलिए फ्रेंड अभी देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है। 92 इज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल भी सकता है नसीब में, अगर आपको नसीब में रहेगा। ए मेंबर हैज टू क्लाइंट रोहित एंड मोहित, मोहित हैज परचेज 100 कॉन्ट्रैक्ट एंड रोहित हैज सोल्ड 300 कॉन्ट्रैक्ट, मार्च 8 से कुछ भी आपको उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं लेना है, दोनों अलग कस्टमर हो गया ना, जब दोनों अलग कस्टमर होगा तो दोनों को प्लस किया जाएगा 100 प्लस 300 इजिकल टू 400। दोस्तों कि एक बंदा ने बाई का किया सेल किया तब तो दोस्तों बाय और सेल को काट के आपको कुछ शेयर रहेगा, बाई सेल तो आपको माइनस होगा ना, यहाँ पे तो दोनों अलग बंदा है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, ये बात माइंड में रखिए। देखिए दोस्तों चलिए फ्रेंड अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है। ए ट्रेडर सेल ए लोअर स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन एंड बाय अ हायर स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन, बोथ आर द सेम स्क्रीन एंड सेम एक्सपायरी कॉल स्ट्रेटेजी कॉल्ड, दूसरी से पहले बोला था सेल, यहाँ पे बीआरएस, देखिए सेल के साथ बीआरएस आ चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, इसे इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए दोस्तों, आपको बहुत ही हद तक आइडिया हो जाएगा, लॉजिकली सोचिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे दोस्तों आपको आइडिया हो जाएगा आंसर कौन सा हो सकता है। चलिए चलिए फ्रेंड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला दोस्तों। देखिए When the near leg of the calendar period transition of the index future expired, the further leg became the regular option open position. दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बगल में VBI लिख के रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आपको आया था मालूम होगा, 95 देख लीजिएगा, 95 क्वेश्चन नंबर, द टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी व्हिच इज द डेरिवेटिव फ्रॉम द ऑप्शन प्राइस एंड
इंडिकेट द वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट ओवर द लाइफ ऑफ द ऑप्शन इज टर्मिड बाय द इंक्रीमेंट वॉलेटिलिटी। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बगल में भी VVI लिख के रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 94 इन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए फिर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 96। हायर द प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन स्टॉक ऑफ द पुट ऑप्शन हायर विल बी द प्रीमियम। दोस्तों इससे पहले बोला था हायर वॉलेटिलिटी हायर प्रीमियम, लो वॉलेटिलिटी लो प्रीमियम, ये मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। तो इसको आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगी तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए फ्रेंड अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है। ए यूरोपियन कॉल ऑप्शन गिव द बायर राइट्स टू बाय नॉट द ऑब्लिगेट टू बाय द फ्रॉम द सेलर एंड अंडरलाइन एट द प्रिवेलेंट मार्केट प्राइस। ये वाला जो बोल दिया इसके चलते ये फॉल्स हो गया, अगर ये बात नहीं बोलता तो ट्रू हो जाता। इसके क्वेश्चन को दो बार पढ़िए आपको आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चन को दो बार पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा इसका आंसर क्यों फॉल्स है दोस्तों। चलिए फ्रेंड, चलिए अभी आपके सामने लेके आऊँगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। एक बार देख लेते दोस्तों 98 दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको इससे पहले आया था, देख लीजिए। देखिए टोटल क्या करने के बाद क्लास कर दिया। तो 98 बार बार क्यों आ रहा है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार क्यों दिया जा रहा है दोस्तों, आप सोचिए इसके अंदर कितना दम है, कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इसलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MVV लिख के रखिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 98। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर भी देख लीजिए, 99 भी दोस्तों सोचिए, ये भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी दोस्तों बार बार आपको देखने को मिल रहा। इतना में सेल किया इतना में बाय किया, तो बाय कम ज़्यादा दाम पे सेल कर दिया, प्रॉफिट तो होगा। और 1200 ये दोनों के साथ माइनस करिए, इसको माइनस करिए, करिए इसके साथ इसको इंटू कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा 1500 का। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट 98 99, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा सा अच्छा से लॉजिकली सोचिए, आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन नंबर 100। इफ प्राइस ऑफ द ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज द मार्जिन अकाउंट ऑफ द बायर इज ऑफ दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिट फॉर लॉस, यस ट्रू। दोस्तों इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपके साथ जो 100 क्वेश्चन आंसर शेयर किया हूँ दोस्तों, आप बार बार इसको वीडियो को देख के रिवाइज करिए, क्योंकि दोस्तों जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे दोस्तों इसका अंदर कितना दम है, आप एग्जाम देने के लिए जाने के बाद आपको याद आएगा इस मॉक टेस्ट के बारे में, मैं इतना लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, आपको याद आएगा दोस्तों। अगर आपको आपका जब आपके सामने जो क्वेश्चन आंसर एक एक करके कंप्यूटर में आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा इस ये जो क्वेश्चन आंसर अभी आपके सामने मैं डिस्क्राइब किया हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 7 के ऊपर।